समाजवादी पार्टी के दो बार भूगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय राम अवतार शाके की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ स्वर्गीय विधायक के पुत्रों ने उत्तर प्रदेश के भूगांव क्षेत्र के कस्बा चौराहे पर पुण्यतिथि का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मैनपुरी सांसद प्रतिनिधि पूर्व सांसद तेज प्रताप ने मूर्ति पर नम्न आश्रु के साथ माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। इस अवसर पर सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पूर्व सांसद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राम अवतार विधायक का समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया से कहा कि आज जो किसानों की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है। रही बात किशन विधि की, जो यह विधेयक पारित किया गया है उसमें किसानों का अहित है, किसानों को गुलाम बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी सरकार अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार की इस नीति का पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश में कड़ा विरोध किया जा रहा है। रही बात 2022 के चुनाव की, इस बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। दिलीप कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई जो आज पोस्टमार्टम? मेरी पंचायत में नगला बूढ़ा लगता है, वहीं के दो लड़के थे, एक का नाम है दीप कुमार राधे श्याम, दूसरे का नाम है दीपेंद्र पुत्र सूरजपाल। दोनों रहने वाले नगला बूढ़ा के थे, चाचा भतीजे, और नगला आंध्रा। अच्छा, ये लोग जा कहाँ रहे थे? ये लोग शायद ओछा की तरफ उधर जा रहे थे, पड़े चौराहे की तरफ, करावली से पड़े चौराहे की तरफ। तो वो दूसरी बाइक बता रहे हैं, ये लोग उधर से आ रही थी, हाँ जरूर से करावली की तरफ। अच्छा, इन लोगों की उम्र क्या रही होगी? यही लगभग 32-31 के आसपास, टगला बूढ़ा की 32-33, इससे ज़्यादा ही। कितने लोगों की मौत हो गई? दो की, बूढ़ा की दो की, एक वो बता रहे हैं कतुनगरा की, तो तीन की हुई। तीन लोगों की मौत, एक कोई घायल है। तीन लोगों की गंभीर रोग? नहीं, तीन लोगों की मौत हुई, एक कोई घायल है, बच्चा हो या कोई भी हो। आज जो है ना स्वर्गीय श्री रामतार विधायक जी की, जो भोगा विधायक होगा करते थे कभी, आज उनकी पुण्यतिथि है। कौन सी पुण्यतिथि है और क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने हमेशा विधानसभा भूगांव और पूरे जनपद मैनपुरी में गरीब मजलूम ये सारा लोगों को उन्होंने हमेशा मदद की है। और यहाँ से वो दो बार विधायक रहे भूगांव से। जो जनमानस की आम समस्याएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी, उन्होंने हमेशा इस पर बल दिया है। और विधानसभा के अंदर भी उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से हमेशा इस जनपद मैनपुरी के विकास के लिए आवाज़ उठाई है। आज 1919 में विधानसभा जनपद मैनपुरी को उनके सभी चाहने वाले इष्ट मित्र आज यहाँ उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, अरविंद यादव MLC जी, राजू यादव जी, माननीय सुखरन सिंह जी और तमाम हमारे कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित होकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर कार्यकर्ता सवार हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बहुत जुझारू हैं और आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता मिलकर विधानसभा की चारों सीटें जिताएंगे और प्रदेश में एक माहौल है समाजवादी पार्टी का। निश्चित ही मेरा मानना है आम जनमानस इस भारतीय जनता पार्टी से खोख चुका है। ये खोखले वादे करते हैं नौकरी के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, केवल भाषण के अलावा, बात करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। और समाजवादी पार्टी के पूरा मन बना लिया है कार्यकर्ताओं ने। एक बार पुनः दोबारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। स्वर्गीय विधायक जी की जो है ना आज कौन सी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आप आए हैं? सर, आज 19वीं पुण्यतिथि है। उन्होंने हमेशा समाजवादी को अपना समय दिया है और इस क्षेत्र को भी बहुत ही प्यार मोहब्बत से उन्होंने दो बार जीता है और अनेकों काम करे। किस निश्चित देखते हो उसे? स्वर्गीय रामतार शाक जी ने उस समय पार्टी को हमारे नेताजी का साथ दिया, संघर्ष के दिन थे जी, जब पार्टी नेताजी ने बनाई, स्टैंड कर रही थी, बहुत कठिन और संघर्षों का जब समय था, उस समय उन्होंने साथ दिया और भोगांव क्षेत्र में दो बार समाजवादी पार्टी की टिकट को विधायक चुने।
और चूँकि व्यक्तिगत तो मेरा परिचय उस समय नहीं था, लेकिन जो लोग उनके बारे में बताते हैं उन्होंने काम किया था, एक खांटी समाजवादी, और विधानसभा में जब प्रश्न उठाते थे लोग बताते कि मंत्रियां जो है अपनी बगले हाथ में मौजूद हो जाती थी, गंभीर मुद्दों को हमेशा उन्होंने विधानसभा के पटल पर रखा, और उन्हीं की देन है कि आज उनके मंत्री आज पहुँच रहा है लगातार 3 बार विधायक क्षेत्र में, निश्चित तौर पर भूगांव क्षेत्र को उन्होंने बांधने का काम किया, समाजवादी बनाने का। आज बीजेपी की सरकार है और सर भूगांव विधान क्षेत्र में अग्नोत्री की है, किस तरह का विकास कराया उन्होंने कुछ? देखिए, मंत्री होने के बावजूद हम लोग लगातार क्षेत्र में जाते हैं, और कहीं इस तरह से सरकार का जो असर दिखना चाहिए क्षेत्र के अंदर विकास के अंदर, कहीं कोई असर दिख नहीं रहा, और जो समाजवादी पार्टी के द्वारा कराए गए और समय के योजनाएं थी जो पूर्ण नहीं हुई थी, आज तक वही काम चल रहे हैं, कोई नया काम भूगांव क्षेत्र में नहीं किया, और यहाँ तक कि जो पुराने काम थे उनका पैसा भी स्वीकृत माननीय मंत्री नहीं करा पाए। बंपर बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी 2022, और किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर कोई आज सरकार से अजय आके बैठा हुआ है, और खासतौर पर हर वर्ग के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिन्होंने मोदी सरकार। आज बीजेपी मुद्दा उठा रही है किसान बिल का, और बार बार किसान बिल को पारित करने के लिए जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि किसान सड़कों पर भी है, इसमें किसानों का कितना अहत होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब विपक्ष में थे तब उन्होंने खुद संसद में इस बात को कहा था कि किसान को डायरेक्ट जो है बड़े उद्योगों उद्योगपतियों द्वारा किसानों का माल न खरीदा जाए, किसान अपने हिसाब से अपनी जो MSP है उसके ऊपर कम से कम उसको मिलना चाहिए, लेकिन आज ये बिल लाकर MSP को खत्म करने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ जो किसान जो 10 बीघा 15-20 बीघा खेती करने वाला था उसको जो है खेती से मजदूर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो क्या लगता है ये पार्टी जो है ना गुलाम बनाने का काम कर रही है? केवल अडानी, अम्बानी और कुछ चुनिंदा अडानी हैं, उनको फायदे के लिए सब किया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.